गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी संडे स्कूल टीचर मिस एमी, और आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। अगर अपने घर की कोई कीमती चीज़ आपकी गलती से टूट जाए तो आप क्या करते हैं? आपका क्या रिएक्शन होता है? आपके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं? और अगर अपने बहन भाइयों का कोई फेवरेट टॉय आपकी गलती से टूट जाए तब आपके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तब रिएक्शन क्या होता है? अक्सर बच्चे ऐसा फेस बना लेते हैं जब उनसे कोई गलती हो जाती है, और वो फेस ही ऐसा बना लेते हैं ताकि कोई उनको डांटे नहीं, कोई उनको झिड़के नहीं। कुछ बच्चे अपोलॉजी भी कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, और कुछ बच्चे तो छुपा ही देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपका कीमती टॉय आपके किसी दोस्त या बहन भाई से टूट जाए फिर एक्सप्रेशन कैसे होते हैं? क्या फिर भी पहले वाले एक्सप्रेशन होते हैं? नहीं, जब आपकी कोई चीज़ टूट जाती है जो आपका फेवरेट टॉय हो तो फिर तो बहुत गुस्सा आता है, और अक्सर बच्चे तो लड़ाई भी करते हैं, और कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं कि हमारी फेवरेट चीज़ तोड़ दी। बच्चों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से इन्हीं रवैयों के बारे में सीखेंगे, और बाइबल मुकद्दस में से मैं आपको आज एक तमसील सुनाऊँगी। तमसील बच्चों उन कहानियों को कहते थे जो यीशु मसीह अपने शागिर्दों को सुनाते थे, और इन कहानियों के पीछे कोई ना कोई मकसद होता था। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से एक तमसील सीखेंगे। आप सबने बहुत ध्यान से और गौर से इस तमसील को सुनना है। बच्चों, आज हम बाइबल में से जिस तमसील के बारे में सुनेंगे वो मत्ती की अंजील के 18वें बाप में है। यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानित है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। और बच्चों, 10,000 तोड़े तकरीबन लाखों रुपयों के बराबर बनते हैं, मगर चूंकि उस कर्जदार के पास अदा करने को कुछ भी ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि उसके बीवी, बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेच दिया जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। वो नौकर ने अपने मालिक को सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मोहलत दे दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, और ना सिर्फ उसे छोड़ा बल्कि उसका सारा कर्ज माफ कर दिया। और जब वो नौकर वहां से बाहर निकला तो उसको उसके हम खिदमतों में से एक मिला। हम खिदमत का मतलब है कि साथ काम करने वाला। तो उस नौकर को एक दूसरा नौकर मिला जो उसके साथ काम करता था, और उस नौकर ने उसके 100 दिनार देने थे, और 100 दिनार चंद हजार रुपयों के बराबर है। जैसे ही उस नौकर ने अपने हम खिदमत नौकर को देखा, उसने उसको पकड़ा और उसका गला घूंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। उसके हम खिदमत नौकर ने उसके सामने गिरकर उससे मिन्नत की, मिन्नत का मतलब है उससे रिक्वेस्ट की, और कहा, मुझे मोहलत दे दे, यानी मुझे थोड़ा टाइम दे दे, मैं तुझे सब अदा कर दूंगा। लेकिन उस नौकर ने ना माना बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया और कहा, जब तक कर्ज अदा ना करेगा कैद में रहेगा। बस जो बाकी नौकर उनके साथ काम करते थे उन्होंने ये हाल देखा तो वो बहुत गमगीन हुए, उन्हें बहुत दुख हुआ, और आकर उन्होंने अपने मालिक को सब कुछ बताया। मालिक ने उस नौकर को अपने पास बुलाया और उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम न था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसका मालिक बहुत खफा हुआ और उसने खफा होकर कहा कि इस नौकर को सिपाहियों के हवाले कर दो ताकि जब तक ये कर्ज अदा ना करे कैद रहे। बच्चों, अभी आपने बाइबल मुकद्दस में से तमसील सीखी,
और इस तमसील में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि अगर कोई उनका कसूर करे या उनका कोई गलती करे तो उसे क्या करना है, गुस्सा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, माफ़ करना है। और बच्चों, यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी यही चाहते हैं कि अगर कोई हमारा कसूर कर दे तो हमने लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, ज़ोर ज़ोर से चीखना नहीं है, बल्कि हमने माफ़ करना है। और यही बात शागिर्दों को भी यीशु मसीह ने सिखाई, और यही यीशु मसीह मुझसे और आपसे चाहते हैं कि हम लोगों को माफ़ करें। बच्चों, आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे और आपकी खातिर सलीब पर अपनी जान दी, और उसने हमारे सारे कसूर, हमारी सारी गलतियाँ, हमारे सारे गुनाह माफ़ किए। इसीलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि अगर किसी से गलती होती है और वो हमसे भी माफ़ी मांगे तो हम भी उन्हें क्या करें, माफ़ कर दें। तो आज बच्चों, आप सब ने सोचना है कि आपका रवैया कैसा है। अगर कोई आपके पास आता है, उससे आपका कसूर हो जाता है, तो क्या आप लड़ाई झगड़ा करते हैं या उसे माफ़ कर देते हैं? और अगर आप ना लड़ाई करते हैं तो फिर आज से आपने वादा करना है कि आप भी क्या करेंगे, माफ़ करना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे और आपको यीशु मसीह ने माफ़ किया, हमारे सारे कसूर, हमारी सारी गलतियां वो माफ़ करता है। तो हमने भी आज से जो लोग जो हमें हर्ट कर देते हैं या हमारा नुकसान कर देते हैं, हमारे खिलौने तोड़ देते हैं, चीज़ें ख़राब कर देते हैं, तो हमें उन्हें क्या करना है, माफ़ करना है। अब हम बच्चों आज की हिफ्सी आयत सीखेंगे। हमारी आज की हिफ्सी आयत इफ़सियों के खत के चौथे बाब की 32वीं आयत है। ये आयत लंबी है, इसलिए मैंने इसका आधा हिस्सा आपके लिए लिया। और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। अब आप मेरे साथ मिलकर ये आयत बोलें। और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। एक दफा फिर आप सब मिलकर मेरे साथ इस आयत को बोलें। और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। Forgive.